जिले के सबसे बड़े ब्लॉक डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में सैनिटाइजर मशीन एवं किट खरीदे में हुए फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसमें नगर पालिका CMO पूजा पिल्ले एवं इंजीनियर रितेश स्थापक जांच में दोषी पाए गए। 12,000 की 3 सैनिटाइजर मशीन को 59,000 में खरीदा गया है। जांच अधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए जांच रिपोर्ट को स्थानीय SDM, जिला कलेक्टर तथा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा है। नगर पालिका के अध्यक्ष की चुप्पी संदेह के घेरे में है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस के चलते लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण हेतु हर संभव प्रयास व उपाय कर रही है जिससे आम जनता को तत्काल लाभ मिल सके, वहीं दूसरी ओर शासन से राशि प्राप्त होते ही पालिका के अधिकारी बंदरबाट में लगे हुए हैं। ताजा मामला नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ का है, जहां तत्कालीन CMO पूजा पिल्ले व इंजीनियर रितेश स्थापक द्वारा सैनिटाइजर मशीन एवं लिक्विड खरीदी में फर्जीवाड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार शहर में सैनिटाइजर छिड़काव करने के लिए 3 बैटरी चलित मशीन की खरीदी की गई थी, जिसकी मार्केट में कीमत 4,000 रुपये है, जबकि प्रत्येक मशीन का बिल 23,000 रुपये पेश किया गया था। इस तरह 3 मशीन की खरीदी का बिल 59,000 रुपये पेश किया गया। खरीदी बिल में बलौदा बाजार के अधर्म ट्रेडर्स दर्शाया गया है। खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन ने नए पदभार ग्रहण के वर्तमान CMO हेमशंकर देशलहरा को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच कराई। जांच में पाया गया कि जिस मशीन की कीमत मात्र 4,000 रुपये है, उसका बिल 23,000 रुपये का लगाया गया है। इसी तरह लिक्विड की खरीदी का बिल 3,764 रुपये भी लगाया गया है। जांच अधिकारी हेमशंकर देशलहरा ने बिल के भुगतान पर रोक लगाते हुए जांच रिपोर्ट SDM, जिला कलेक्टर तथा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेज दी है। सैनिटाइजर खरीदी है, उसमें हम लोग मार्केट में मैं और अध्यक्ष जाके पता करके आया है, जो 4,000 की आती है मशीन वो 23,000 की खरीदी की गई, और 3 मशीन की खरीदी की गई है जो 69,000 की होती है, 69,000 में खरीदी की गई है और मार्केट के हिसाब से 12,000 रुपये उसका कीमत करना होता है। सर जांच कौन कौन दोषी पाया गया सर? इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी है पूजा पिल्ले और इंजीनियर है रितेश स्थापक, ये दोनों के द्वारा किया गया है। जो दोनों दोषी, क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी कार्रवाई के संबंध में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऊपर हम लोग लिख के भेज दिए हैं और ऊपर वाले संचालक को भेज दिए हैं, कलेक्टर को भेज दिए हैं। सैनिटाइजर की मशीन का मामला जो सामने आया था उसका निराकरण हो चुका है, जिसमें तत्कालीन CMO पूजा पिल्ले जो CMO थी वो दोषी पाई गई है। मशीन जो है 4,000 की थी, भुगतान जब भी होगा 4,000 की राशि से ही होगा। और इसमें जो कांग्रेस चुप्पी बैठी है उसके बारे में बताया, क्या है कारण? कांग्रेस चुप्पी साधी है जो कि संदेहजनक है, कहानी जाता। आपका नाम? अमित छाबड़ा, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका।